झारखंड की उपराजधानी दुमका के पंजन पहाड़ी मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7,32,000 लाभुकों के बीच करीब 78 करोड़ की राशि उनके खातों में वितरित की है। उन्होंने यह राशि अगस्त माह की प्रथम किस्त की राशि वितरित की है। यहाँ बता दें कि संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय सम्मान समारोह योजना में करीब 6 जिलों के दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ सहित 6 जिलों के महिलाएं यहाँ आई हुई थी, जिसको लेकर यह मुख्यमंत्री एक चुनाव से पहले एक बड़ी कार्यक्रम की। उन्होंने इस दौरान कई घोषणाएं की। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती थी, लेकिन अब आने वाले दिनों में जब सरकार बनेगी तो सबसे पहली योजना जो बकाए बिजली की बिल की राशि है वो कहीं ना कहीं माफ़ करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि मध्यम वर्गीय परिवार को भी इस नज़र से देखा जा रहा है कि उनकी क्या स्थिति है और उसको कहीं ना कहीं आकलन करके उसकी भी स्थिति को सरकार कहीं ना कहीं एक रास्ता बनाएगी। यहाँ बता दें चूँकि जब उन्होंने मीडिया से बात करी तो जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लेकर सवाल खड़ा किया गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्य की जनता सब देख रही है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो हम एक चीज़ बता सकते हैं कि चुनाव भी अब कहीं ना कहीं नज़दीक है, जल्द ही तारीख की घोषणा होने जा रही है और यही वजह है कि संथाल परगना के 6 जिलों को दुमका में एक प्रमंडलीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि इन योजनाओं के माध्यम से एक मैसेज जो महिला तक पहुंचाया जा सके। और चूंकि घर की महिलाएं एक ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं चुनाव में भी असर डाल सकती है और यही वजह है कि आज जो है महिलाओं के ये लिए योजना बनाई है और सरकार और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। समस्या जो हमको जानकारी में आया अभी, हाँ मोटा मोटी अभी कागज पत्र देखे बिना हम घोषणा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें उलट फेर होगा। हम लोग यहाँ 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरी है, पुराना भया बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे, जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे, बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे। वो टेंशन हो गया कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक छोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने, पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है, इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग, और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा ऐलान दिखा दिया कि वो इतना छोटा हो गया। आज के दिन में केंद्र सरकार बनाने के लिए इन लोगों को बैसाखी का जरूरत पड़ता है। ये लोग कुछ देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग, व्यापारी लोग कभी कुछ देता है इन्हों लेता, इससे खींचना पड़ता है। और यही वजह है कि इस राज्य का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार नुआ राज लिया बकाया बायो करता है, एक लगातार नुआ बखरा उनको देने मौके मिलते चिट्ठी पत्री होता है और इना लघु पैसा अगर नुआ को राज्य सरकार ने जाम किया फिर नोडे नुआ दिशा में रहेंगे और तो पंजा करते हैं बाबू जाम किया।
कैसे लेंगे झारखंड, लेकर लेंगे झारखंड। अब यही नारा होगा, कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। कैसे लेंगे? कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक हमारा खेत खलिहान से निकलेगा और हमारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तो ये काम नहीं चलेगा। अभी तो लड़ते झगड़ते 4 साल बीत गए, ये 5वां साल चल रहा है। सरकार बनने के बाद राज्य में हो रहे खनिज संपदा द्वारा जितना भी खनन कार्य किए जा रहे हैं, एक एक कंपनियों के साथ स्थानीय लोगों का हिसाब किताब चुकता करने का काम किया जाएगा। मुआवजा दो, नौकरी दो, नहीं दोगे तो यहां से भाग दो, यही काम करना पड़ेगा। सोना का चिड़िया इस राज को बोलने वाला बेचारा यहां का लोग फटे हाथ, लोग अजीब अजीब चीजों को लेके ढिंडोरा पीटते हैं, कहते हैं खिसियाए बिल्ली खंभा लोचे। यहाँ का नेताओं का तो सर फुड़ावल हो ही चुका है, यहाँ का नेताओं का लुटिया तो डूब ही चुका है। अब उन डूबी हुई नेताओं का लुटिया उठाने के लिए आप आसाम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से लोग यहाँ आते हैं इनका बेड़ा उठाने। यहाँ पर सरकार के कार्यों को देखकर इनकी आंख में आंख फटी पड़ी है। ऐसे ही कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने पूरे राज्य में ऑफर लेटर बांटा है निजी क्षेत्रों में, और हम लोगों ने कानून भी बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी होगी उस कंपनी में 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को नौकरी होगा, यही कानून हम लोगों ने बनाया है। और उसके साथ हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लाखों नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र दिया है, लेकिन इनको दिखता नहीं। इसमें सबसे अधिक नौकरी देश के फौजी फौज में होता था, अब फौज में नौकरी बंद, अब अग्निवीर आ गया है जो 4 साल नौकरी कराएगा, फिर दूध से मक्खी निचोड़ का जगह फेंक दिया है तो उसे फेंक देगा उन नौजवानों को। ऐसा नौकरी लाया मात्र 3-4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा जी? और उसके बाद सबसे अधिक नौकरी होता था रेलवे में, रेलवे में भी नौकरी बंद हो गई। अब रेल सब बिकना चालू हो गया, प्लेटफॉर्म बिकना चालू हो गया। उसके बाद देश के अंदर बैंकों में लोग नौकरी करने जाते थे पहले बार, और बैंक में भी नौकरी बंद हो, जहां 100 बैंक हुआ करता था 20-25 को बैंक हो गया, सब बैंक को मिला दिया इन लोग। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, कोल इंडिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग नौजवान नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। जितने भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कंपनी, सारे कंपनियों में नौकरी बंद, अब सारा टिकरा अब राज्य सरकारों के मत्थे पे आके गिर गया। अब राज्य सरकार नौकरी 20 साल तक इस राज्य में नौकरी देने का कोई कानून नहीं बना, और इस 4 साल के अंदर नौकरी देने का कानून भी हम लोग बनाए, और लोगों को हजारों की संख्या में हम लोगों ने 25-30 हजार से अधिक अब तक हम लोगों ने नियुक्ति दी है। इस राज्य की सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां, हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती, लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में,
और आज 1200 1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा। पहले ये लोग चरस गांजा अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है, फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के देश के गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है, हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है, लेकिन आपने बड़े बड़े व्यापारियों मित्रियों का लाखों लाखों अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं, व्यापारी लोग नहीं मरना चाहिए। इतने मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरीके से आज संथाल परगना के महिलाओं में जो उमंग दिख रहा है, मैं भी अचंभित हूँ और उत्साह, मुझे लगता है कि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं हमारे साथ या इस सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ, उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा काम है काम करते जाना और लोगों को लाभान्वित करते जाना, उनको मजबूत करते जाना। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं बाहर मौसम, ऐसे विषम वातावरण परिस्थिति और मौसम में भी इतने लोग और इतने उत्साह और उमंग, पहली बार देखने को। लेकिन विपक्ष कहता है कि आपने राम हनुमान है यार, जितना मत देखिए ज्यादा लेके खड़ा है। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसका इसको तय करेंगे। ये चंपईदा 300 बीजेपी में जाने वाले क्या इससे फर्क पड़ेगा? ओ विषय पर हम बात बात करेंगे, हम बात करेंगे जाने दे पाने दे। महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 का राशि दे रहे हैं, तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योगदान हो जाएगा, वो बहुत सारे कामों को मतलब अपने पूरा कर सकेंगी। ये हम लोग के लिए सिर्फ 1000 रुपया नहीं है, ये जो माननीय मंत्री जी का जो ये है हम लोग का सम्मान किए, ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, चूँकि महिलाओं के लिए जो है ये 1000 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है। हाँ, बहुत बड़ा मायने रखता है और उससे भी बड़ा मायने है कि ये इन्होंने हम लोग का इतना सम्मान बढ़ाए, है ना, ये 1000 से ज़्यादा मायने रख रहा है कि हम लोग का सम्मान बढ़ाए, हम लोग का इज्जत इससे बढ़ा, इसलिए हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है। उसमें बहुत सारे काम देगा, इसमें उसमें बच्चा बुतरों से पढ़ाई लिखाई और उसमें अपना भी खर्चा भी होगा, इसमें बहुत अच्छा से किए हैं।